मुंबई में बीती रात एक नए हेयर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया और इस खास मौके पर मौजूद रहे टीवी इंडस्ट्री के कई कलाकार जैसे अपर्णा दीक्षित, संगीता कापूरे और राहुल शर्मा, जिन्होंने रिबन काटकर इस क्लिनिक की ओपनिंग की। ओके, प्यार की लुका छिपी ये हमारा शो है जो कि बेस्ड है, कानपुर बेस्ड स्टोरी है और प्यार के ऊपर डेफिनेटली ये स्टोरी रिवॉल्व करती है। एक आपका बचपन का प्यार, शादी और उसके बाद की जो भी परेशानियां हैं उन सब के बारे में बताते हुए आपको एक खूबसूरत कहानी बताएगा। और ये आप देख सकते हैं दंगल पे 9:30 बजे। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल अपर्णा जी बताएंगी। जितनी भी लव स्टोरीज हम जनरली देखते हैं वो स्टार्ट ऐसे होती हैं कि दो लोग हैं जिनको प्यार नहीं है और फिर वो कैसे प्यार में पड़ते हैं। हमारी लव स्टोरी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि दो लोग हैं जिनमें बहुत प्यार है, बट क्या प्यार काफ़ी है? देर आर अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स जो आपके प्यार होने के बाद में आपको फेस करनी पड़ती हैं एक साथ रहकर। तो हमारी जो स्टोरी है वो उन सब प्रॉब्लम्स से डील करती है जो बहुत ही रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है, आई थिंक, जो सब लोग फेस कर रहे हैं कि प्यार है, शादी हो गई, नाउ व्हाट। उसके आगे की जो आपकी जर्नी है हमारा शो वो बताता है, एंड आई थिंक आप सबको काफ़ी रिलेटेबल लगेगा। कानपुर की स्टोरी है, बहुत ही छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जो कि छोटे होने के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी मेंटल पीस के लिए, और आप अपने इर्द गिर्द ऐसी प्रॉब्लम्स को देख भी रहे होते हैं। सो डू वॉच आर शो एंड इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ गो देयर। एक सबसे बड़ी कहावत है ना कि वो कहते हैं कि शादी के पहले वाली स्टोरी सब बताते हैं, बाद वाली कोई नहीं बताता, बाद वाली हम बताएंगे, तो प्लीज़ डू वॉच आवर शो। देखिए, हेयर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी सबकी स्किन और बाल और अपना शरीर कितना मायने रखता है किसी के भी लिए, बिकॉज सबको उसका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे हर चीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। चाहे आप सब्जियाँ खाएं, चाहे आप बाकी कुछ भी खाएं, तो सब कहीं ना कहीं मिलावट से भरी हुई है, पॉल्यूशन है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो उन सब में आपको अपना अपना ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला अच्छा खाना ज़रूरी है, और अगर आप डाइट मेंटेन नहीं करते, किसी भी तरह की स्किन और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स से आप गुजरते हैं, तो ऐसी क्लिनिक जो हैं, ऐसी जगह पर आकर आपको इन सब चीज़ों का सोल्यूशंस मिलता है। सो आई थिंक सो आप दोनों भी इस बात से अग्री करेंगे। डेफिनेटली, और लुक्स और ये जो एक टैबू था कि सब लोग को पहले ऐसा लगता था कि ओ मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं बता नहीं सकती, या I'll just be like that. तो ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके कॉन्फिडेंस में। अगर आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत उससे स्ट्रेस आता है और वो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वो सब की स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थैंक्स टू क्लिनिक लाइक दिस अवेंजा खुल गया है और आप आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड दे विल 100% सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो या एग्जैक्टली या अवांजा मीन्स एडवांस, सो इतने टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है तो क्यों ना हम भी हो और ये शर्माना और ये सब छोड़ के अपने आप को खूबसूरत बनाए, हेल्दी करे और परफेक्ट रखे। खूबसूरत रहना सबका हक बनता है, मुझे नहीं लगता वो किसी को छीनना चाहिए। और मेरे ख्याल से डॉक्टर तरुण से मिलने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद में आदमी हम्बल होके भी जाएगा साथ में। एब्सोल्युटली हम्बल होके जाएगा, एक ट्रीटमेंट के लिए आएगा और पता नहीं 4-5 ट्रीटमेंट करके जाएगा। आई एम तो गोइंग विजिट फॉर नो रीजन ऑल्सो हियर, क्या पता कल 2-4 पिंपल्स आ जाए, वो सॉल्व नहीं हो पाए, थोड़े आजकल विग बना लगा रहे हैं तो यहाँ टकला वकला हो गया, तो ये देखिए इनके बाल देखिए उसके बाद आई एम अरे हो रहे पीछे से, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। संगीता के बारे में तो मेरे पास बहुत लंबी कॉम्प्लीमेंट्स की लिस्ट है, जितने साल बीतते जा रहे हैं उतनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स होते जा रहे हैं। एक मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना पहले, सो आई थिंक शी इज वेरी वेरी सॉर्टेड एंड वेरी वेरी सेंसिटिव, तो मुझे ये चीज़ उनकी काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे ये चीज़ लेनी है, दैट हाउ शी मैनेजेस एवरी थिंग एंड शी एवरी वन इज ऑलवेज हैप्पी विद हर, सो आई कीप टेलिंग दिस टू हर। राहुल के बारे में द बेस्ट पार्ट इज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं उनसे लेना चाहती हूँ, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा अपना भी ख्याल रखते हैं और दूसरों का भी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी आदत है, मैं उतनी केयरलेस हूँ, मैं ना अपना ख्याल रखती हूँ ना दूसरों का, सो आई थिंक दिस इज़ अ फैब हैबिट ऑफ हिज। वो अपना भी ख्याल रखता है, दूसरों का भी वो उतना ही ज़्यादा उनका टेक केयर करता है, उनमें से मैं भी एक हूँ। सो या थैंक यू, वो सेहत का ख्याल का मतलब है कि मैं राहुल के साथ रहती हूँ। तो सेहत का ख्याल ऐसा है कि इनकी हैबिट ऐसी है कि कभी सेट पे दो समोसे वाला या कुछ भी आया है तो
कभी कभी इनको क्रेविंग होती है कि हम वो खा लें, और मैं बस इतना करता हूँ कि इनको रोक लेता हूँ और उसकी जगह फ्रूट की प्लेट इनके सामने होती है। मेरे जो ये फैंस है ना, वो इस बात से, वो ढाई तीन चार साल से हर इंटरव्यू में मेरे जो मेरे साथ इंटरव्यू दे रहा होता है उससे यही सुनते आ रहे हैं कि ये कचौड़ी खाती है ये सब। नहीं नहीं, इस बार खा ही नहीं रही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बार डिफरेंस ये है कि जैसे ही वो प्लेट सामने आती है उससे पहले ही मेरा बॉय या इनका बॉय, उसको बोल दिया जाता है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ कि प्लीज़ आप आउट हो जाइए और हमें फ्रूट्स की प्लेट लेकर आइए। और यही मैं इनकी हैबिट बता रही थी, ये ऐसे मुंह बना के खाए कैसे भी खाए, आई डोंट केयर, बट ये खाए, दैट्स इट। और हाँ संगीता जी, आप क्या आप, आपकी बारी, मेरा लास्ट में नंबर ऐसे आ रहा है, लड़कियों ने शुरू किया अभी लड़कियों को, तो दोनों के बारे में बताना है। तो अप्पू के लिए ये मैं कहूँगी कि वो हमेशा से ही मेरे लिए सर्वगुण संपन्न रही है, और सिर्फ एक ही इसकी माइनस पॉइंट है कि वो खुद का ख्याल नहीं रखती, बाकी सबका रखती है। तो जो जिस दिन वो अपना ख्याल रखेगी मेरे लिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई लव हर, और वो ऐसी ही रहे सारी उम्र, बुढ़ापे तक मैं उसको ऐसे ही देखूँ। राहुल के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि आई थिंक हर लड़की चाहेगी या तो ऐसा बॉयफ्रेंड हो या तो फिर ऐसा हस्बैंड हो। अगर इन दोनों में ये मतलब कहीं और सेट हो गया है तो कम से कम ऐसा भाई या बेस्ट फ्रेंड तो हो यार। तो यार ये तो बहुत खतरनाक कॉम्प्लीमेंट दे दिए दोनों ने बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लीमेंट दे दिए। अच्छा, पहले मैं शुरू करूंगा अपर्णा से, क्योंकि जो है अभी आजकल तीन चार महीने हो गए हमको साथ में काम करते, तो थोड़ा इनके बारे में जानने का मौका मिला है। सबसे पहली बात जो इनके बारे में मैं बोलूँगा कि वो इनोसेंस से शुरू होती है। इनोसेंस इस वे में कि जिस तरह इनकी एनर्जी है सेट पे सुबह आने से लेकर रात को जाने तक, वो अलग बात है कि कभी कभी मुझे बोलती है आज मुझे यहाँ दर्द है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेट पे जितना पॉजिटिव वाइब ये क्रिएट करती हैं, जितना इनका जिस तरह का ऑरा है, आई लाइक दैट। बिकॉज इतने शोज में काम करने के बाद मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले जिनके साथ में इस तरह की वाइब मुझे मिली, इस तरह का पॉजिटिव ऑरा मुझे मिला। दूसरी चीज जो है, शी इज अ वेरी नाइस एक्ट्रेस, बिकॉज कभी भी हम लोगों को सीन्स एक दूसरे को कहीं भी कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत नेचुरली होता है। आई थिंक आवर केमिस्ट्री और आवर सीन्स आर वेरी एफर्टलेस एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। सो दैट्स द ब्यूटी। और दूसरी बात ये बोलूँगा, खूबसूरत तो है, तीसरी बात और चौथी बात तो वो निकलता जाएगा। तो बेसिकली ये दो तीन मुद्दे हैं कि खूबसूरती डेफिनेटली उसके उसमें कोई डाउट नहीं है, इनोसेंस है ही है, एंड बाकी की चीज़ें मैंने बोल दी है। अब आते हैं संगीता पे। संगीता से मेरा बहुत कम मिलना होता है, और हम जब भी मिलते हैं तो गणेश पूजा पे मिलते हैं या फिर कभी हमारी कोई गेट टुगेदर हुआ तो उस पर मिलते हैं। बट सबसे सबसे अच्छी बात जो इनके अंदर है कि एक होता है ना, सब चीज़ों को किस तरह संभाल के रखना और किस तरह उसको इम्प्लीमेंट करना, तो एक बॉस लेडी का काम प्लस उसके साथ एक घर संभालने से लेके उसको किस तरह जिम्मेदारी के साथ संभाला जाए, वो आकर इनसे सीखना चाहिए। ओहो, बहुत रिश्ते आएंगे। और और उसके बाद वही अगेन खूबसूरती, वो तो आप देख ही सकते हैं, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, और जिस तरह से चीज़ों को कहना और प्रेजेंट करना वो इनकी एक बहुत बड़ी कला है, जिस तरह से जिस खूबसूरती के साथ ये कहती हैं और जितना वार्म वेलकमिंग है, आई थिंक ये क्वालिटीज़ अभी के लिए इतनी ही बहुत है। मैं बता दूं बाकी तो फिर चलता so जाएगा इनसे लिस्ट। देखो जैसे राहुल ने जल्दी से बताऊंगी, बहुत इम्पोर्टेंट है बताना कि हम सिर्फ गणपति में मिले, हर पूजा में मिले, आपने इस फील्ड में कौन से लड़के को हर पूजा अटेंड करते हुए देखा है? आजकल हमारे फील्ड में तो बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए तो मैंने बोला कि ऐसा हस्बैंड, ऐसा बॉयफ्रेंड, नहीं तो फिर दोस्त या भाई सही, बट मिले तो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।